हेलो दोस्तों, द अनटोल्ड स्टोरीज में मैं अजय आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सांप को हमें दूध क्यों नहीं पिलाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सांप रेंगने वाले जीवों में आते हैं जो पूरी तरह मांसाहारी होते हैं। सांप अपने भोजन में मेंढक, चूहे, पक्षी, छिपकली और अन्य छोटे सांप आदि खाते हैं। पर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सांप दूध भी पीते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। हमारे देश में ना जाने कितनी सदियों से अलग अलग परंपराएं चलती आ रही हैं। इन्हीं परंपराओं में एक ऐसी परंपरा भी शामिल है जिसमें लोग सांप को दूध पिलाते हैं। सांप को दूध पिलाना कितना सही है और कितना गलत, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लिहाजा ज्ञान के अभाव में हम सभी सांप को दूध पिलाना पुण्य समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूध पीने की वजह से सांपों की मौत भी हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि दूध पीने से सांप की मौत भी हो सकती है, और इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानी बच्चा जब छोटा होता है तो उसका विकास पूरी तरह से उसकी माँ के दूध पर निर्भर होता है। पर ऐसा क्यों है कि इंसानी बच्चा तो दूध पी लेता है पर सांप क्यों नहीं पी पाता? दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसानों के अंदर रेनिन एंजाइम होता है जो दूध को पचाने का काम करता है, और सांपों के अंदर ये रेनिन एंजाइम ना होने की वजह से सांप दूध को पचा नहीं पाते, और इसी वजह से उनके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और बाद में उनकी मौत भी हो जाती है। दोस्तों, सांप ना तो दूध पीते हैं और ना ही वो इसे पीना पसंद करते हैं। दरअसल इस गलत परंपरा के पीछे सपेरों का हाथ है। अपना घर परिवार चलाने के लिए सांपों पर निर्भर रहने वाले सपेरे इसी परंपरा के कारण जगह जगह घूम कर पैसा और अनाज कमाते हैं। नाग पंचमी से पहले सपेरे जंगलों में सांप पकड़ते हैं और उनके दांत तोड़ देते हैं, और साथ साथ उनके जहर की ग्रंथि भी निकाल लेते हैं ताकि उनके हमले से कोई व्यक्ति खतरे में ना पड़े। दांत तोड़ने की वजह से सांप के मुंह में घाव हो जाता है। इतना ही नहीं, सपेरे जंगलों से पकड़कर लाए गए सांपों को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखते हैं ताकि नागपंचमी के दिन वे भूख से तड़पते हुए कुछ भी खा पी लें। जब उन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा रखकर नागपंचमी वाले दिन लोगों के पास ले जाया जाता है तो वो दूध को पानी समझकर पी लेते हैं, और दूध पीने की वजह से उनके मुंह का घाव और भी खराब हो जाता है। इतना ही नहीं, दूध पीने की वजह से सांप के फेफड़े और आंतें भी खराब हो जाती हैं, और फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत भी हो जाती है। इसलिए सांपों को दूध कभी नहीं पिलाना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अब इस धारणा के पीछे का सच जान गए होंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक विनती और करना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी किसी भी सपेरे को सांप को दूध पिलाते हुए देखें तो प्लीज आप उसे जरूर टोकें, क्योंकि सांप को भी हमारी तरह जीने का हक है। और दोस्तों, इस वीडियो को आगे जरूर फॉरवर्ड करें जिससे ये कुप्रथा जल्दी हमारे देश से खत्म हो सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अजय अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।